हेलो दोस्तों, स्किल सिविल की ये वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिवर कपलर, जिसे लैपिंग का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव माना जाता है। इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने देखा लैपिंग क्या है, लैपिंग कैसे दिया जाता है, इसको कहां पर देना है और कहां पर नहीं। इसके अलावा लैपिंग के पहले अल्टरनेटिव वेल्डिंग के बारे में हमने अच्छे से जाना। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसी के साथ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि रिबार कपलर क्या होता है। मैकेनिकल रिबार कपलर एक सिलिंड्रिकल शेप का एलिमेंट है जो दोनों तरफ से रिइंफोर्समेंट की रोटेटिंग एजेस को जोड़ता है। रिबार कपलर आज की तारीख में लैपिंग का सबसे अच्छा अल्टरनेटिव है और इसे कई बार टेक्निकल टर्म्स में मैकेनिकल स्प्लाइसेस भी कहा जाता है। रिबार कपलर का उपयोग आज के दिनों में बढ़ता जा रहा है। इसके मेनली दो रीजन्स है। पहला है, लैपिंग किए गए हुए जॉइंट्स में स्ट्रक्चर का लोड इसेंट्रिकली कंक्रीट के द्वारा ट्रांसफर होता है, जबकि इन जॉइंट्स पर कपलिंग करने से स्ट्रक्चर का लोड अक्सियली रेनफोर्समेंट के द्वारा ट्रांसफर होता है, जो हमारी स्ट्रक्चर की सेफ्टी के लिए अच्छा है। और दूसरा कारण है, बड़े प्रोजेक्ट्स में हायर डायमीटर बार्स के लिए रिबार कपलर का उपयोग लैपिंग के प्रोसेस में जाने वाले एक्स्ट्रा बार को बचाता है, जिससे कि बड़ी कॉस्ट सेविंग होती है। जनरली रिबार कपलर के दो टाइप्स होते हैं, एक है थ्रेडेड कपलर और दूसरा है नॉन थ्रेडेड कपलर। सबसे पहले हम जानते हैं रोल थ्रेडेड कपलर क्या होता है। रोल थ्रेडिंग कपलिंग के पूरे प्रोसेस में सबसे पहले TMT बार्स पर थ्रेडिंग मशीन की मदद से थ्रेड्स किए जाते हैं और बाद में रिबार कपलर को इंस्टॉल किया जाता है। ये रोल थ्रेडिंग कपलर को इंस्टॉल करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ईजी है तथा कॉस्ट इफिशियंट भी, इसी कारण से मार्केट में सबसे ज़्यादा यही कपलर का यूज़ होता है। दूसरा एक आता है कोल फोर्ड रिबार कपलर। इसके लिए सबसे पहले TMT बार पर फोर्जिंग की प्रोसेस की जाती है, जिसमें TMT बार पर हाइड्रोलिक प्रेशर दिया जाता है। इस प्रेशर के कारण TMT बार का लेंथ कम होता है और थिकनेस बढ़ता है। बाद में इस पर थ्रेडिंग किया जाता है और लास्ट में रिबार कपलर को इंस्टॉल किया जाता है। आप इस वीडियो में कोल्ड फोर्जिंग मशीन को देख सकते हैं और साथ में TMT बार जिसको फोर्ज किया गया है। ये कोल्ड फोर्ज रिबार कपलर का पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में इसका उपयोग भी किया जाता है। अब हम जानते हैं नॉन थ्रेडेड रिबार कपलर क्या होता है। रिबार कपलर जिसको थ्रेडिंग के बिना ही इंस्टॉल किया जाता है, इसको हम नॉन थ्रेडेड रिबार कपलर कहते हैं। इसमें सबसे पहला है क्रिम्पिंग रिबार कपलर। ये कपलिंग का सबसे पुराना तकनीक है, जिसमें TMT बार के ऊपर कपलर के रखने के बाद क्रिम्पिंग मशीन के मदद से रिइंफोर्समेंट को क्रिम्प किया जाता है। आप इस वीडियो में क्रिम्पिंग मशीन और क्रिम्प किया गया हुआ रिबार कपलर देख सकते हैं। क्रिम्पिंग रिबार कपलर इंस्टॉलेशन में लगने वाले मटेरियल तथा लेबर कॉस्ट के ज़्यादा रहने के कारण ज़्यादातर इस कपलर को मार्केट में अवॉइड किया जाता है। नॉन थ्रेडिंग कपलर में और एक आता है MBT कपलर। ये MBT कपलर क्रिटिकल कंडीशंस के लिए डिजाइन किया गया है। जब भी रेनफोर्समेंट में लैप लेंथ कम होता है तो ज़्यादातर यही कपलर को उपयोग में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रेट्रोफिटिंग कंस्ट्रक्शन वर्क। MBT कपलर का स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड करता है कि कपलर में कितने बोल्ट्स हैं। जनरली MBT कपलर में 6 से 8 बोल्ट लगाए जाते हैं। दोस्तों, अब तक आप वीडियो में अच्छे से समझ गए हैं कि कपलर क्या होता है, उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं। अब हम जानते हैं कपलर की स्पेसिफिकेशन के बारे में, कि कपलर का साइज क्या रहता है, उसका लेंथ और उसका वेट क्या रहता है। दोस्तों, 16 mm से 40 mm तक के सारे TMT बार्स के लिए कपलर के स्पेसिफिकेशंस, कपलर लेंथ, पिच, वेट को आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक आप अच्छे से समझ चुके हैं कि कपलर लैपिंग से बहुत सस्ता पड़ता है, पर कितना, तो उसी प्रश्न का उत्तर हम आपको यहाँ पे स्किल सिविल पे देते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 12 mm के स्टील बार में लैप लेंथ M25 के कंक्रीट के लिए 50D के हिसाब से हुआ 600 mm। तो इसका kg में वेट हम निकालेंगे d² / 162 फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 0.5328 kg। दोस्तों, अभी करंट मार्केट स्टील प्राइस के हिसाब से इसका प्राइस निकालने जाओगे तो ये आ जाएगा करीब 35 रुपीज़।
और कपलर का कॉस्ट हम यहाँ पर लेबर कॉस्ट को जोड़ के 40 रुपीस ले तो भी ये नुकसान का सौदा होगा। इन द सेम वे अगर हम 16 mm के TMT बार के लिए कपलर का कॉस्ट एनालिसिस करें तो इसका लैप लेंथ 800 mm के हिसाब से 1.264 kg का प्राइस आ जाएगा 82 रुपीस, और यहाँ पर कपलर का कॉस्ट हमको लेबर कॉस्ट मिला के पड़ जाता है 50 रुपीस। दोस्तों यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 16 mm के स्टील बार के लिए कपलर का यूज़ अगर किया जाता है तो हम 32 रुपीज़ का क्लियर सेविंग कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से आप 20 mm 25 mm TMT बार्स के लिए भी कपलर सिस्टम के उपयोग से होने वाले कॉस्ट सेविंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं। दोस्तों एक बात को यहाँ पर जरूर ध्यान में रखें, स्टील का प्राइस मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है और कपलर का कॉस्ट भी रीजन वाइज अलग हो सकता है, तो ये एनालिसिस को स्टडी पर्पज के लिए ही ध्यान में रखें। दोस्तों कपलर सिस्टम के इंस्टॉलेशन को समझने से पहले इस वीडियो को कुछ इस तरह से समराइज कर सकते हैं। हायर डायामीटर बार्स जैसे कि 12 mm के ऊपर के डायामीटर बार्स के लिए कपलर का उपयोग बड़े प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी कॉस्ट सेविंग कर सकता है। कपलर का उपयोग टेक्निकली रेकमेंडेड है क्योंकि कपलर स्ट्रक्चर के लोड को अक्सियली ग्राउंड पर ट्रांसफर करता है। कपलर का उपयोग स्पीड के साथ काम में एक्यूरेसी भी प्रोवाइड करता है। कपलिंग का सुपरविजन और क्वालिटी कंट्रोल अदर लैपिंग अल्टरनेटिव से इजी और कन्वीनियंट है। ऐसे ही नॉलेजफुल सिविल इंजीनियरिंग वीडियोस के लिए स्किल सिविल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें।